सुबह के 10:30 बजे और क्या चल रहा, एडिटिंग तो चली रही। खरबूजा? खरबूजा नहीं, हेल्थ है ये। इससे क्या होगा, रोज एक फ्रूट खाना है आपको पानी वाला, और ना तो पानी की कमी आने की, डिहाइड्रेशन नहीं होने का, और फेस पे पिंपल नहीं आने के, चमक सा चलेगा फेस। साथ में पानी भी तो पियो। ये तो कर दिए, ना तो दोपहर तक का पानी है इसके अंदर। बाहर कैसे धूप में काम कर लेते, खरबूजा उतरा रह जा अंदर, तरबूज खा जाते तिनक बैठ के साथ में, पोतो का पड़गी है जा, पोतो पे एक भी नहीं झिल्ला तरबूज। चलो ये चाय तो मान सके हम 3 अलग अलग कप में, लेकिन ये क्या है, ये तो आंडा ही लग रहा है। भैया 3 प्लेट में दो 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 ये ले गए अलग से। ले बटन आ गया क्या? अद्दा आ गया किसी ने, तो अद्दा आ सके। अभी भेज दिया उन्होंने, चल अद्धे तो हो गए, जब बाकी अद्धा होगा गम के साथ भेज देंगे बाकी आधा। जल्दी खोल ले भाई, कल सुबह पनवेल निकलना मुझे। मैं रैपिंग तो बहुत ज्यादा भेज दी भाई। लैपटॉप मंगा लेगा तुमने अपना? ट्रांसपेरेंट सज्जा तो उड़ रहा है हमारे से। मैं सोच रहा इस पे एडिट कर लूं, लग तो सही रहा यार। तो मैं सबको बता दूं, प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन यूज करना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हमने मंगाया है ये। बढ़िया है भाई ना। अच्छा कहाँ कहाँ लगेगा ये? नीचे का तो बेहतरीन है, बट ये लग रहा मुझे हीट होके थोड़ा वो ना हो जाए तो। मिट्टी कूल है तो बता क्या दिक्कत है। सेक्सी लग रहा, बस ऐसा ना हो जाए और नुकसान ना कर दे कोई। चिपक गया भाई उधर मेरा हाथ। बढ़िया लग रहा ना, टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट कर ले रहे, फिर नया मंगा लेंगे अगर ये सच में लैपटॉप ना टूटा, अगर ये टूट गया तो नया मंगा लेंगे। अरे नहीं सही कह रहा, वैसे नया मंगवा लेंगे, देखिए टूटने का नहीं, अगर अंदर लैपटॉप टूट गया नया मंगवा लेंगे लैपटॉप। वही तो, ये यूज कर लेंगे। क्रैक डी थोड़ा हैवी हो गया, लेकिन कोई नहीं, 500 ग्राम और वजन उठा लेंगे थोड़ा। चलो यार आफ्टर सो मेनी डेज अभी नहाने चलते, तू कह देगा तो ना लूंगा, नहीं तो आज भी रहने दूंगा। मैं भी जा ही रहा था तो साथ ही। अच्छा वो वाला मीम याद आ गया मुझे, वो पंजे वाला जो मीम है, दो लड़के यूं पंजे लड़ाते रहे तो वो एकदम उसके साइड में लड़की बैठी रहे तो उसे दूसरे वाले को यूं कहेगी यार, यो उसे फील होगा कि शायद ये लड़की की वजह से जीतना चाह रहा तो वो हार जा, उसके हारते ही उसके साइड में एक और लड़का खड़ा रहा उसके साथ किस करे, वही वाला याद आ गया मुझे। इतना बड़ा डब्बा है, इससे भी बड़ा डब्बा है इसका, जितना बड़ा डब्बा था, पता करेंगे इसमें है क्या। यार मेरी एक फैंटेसी है, डिब्बा तो खुलता रहेगा। मेरी ये डेनिम शर्ट कोई लड़की पहन रही हुई है। एक गिलास बनाना है ना ये। अरे यार अजय भैया मेरी फैंटेसी डिस्टर्ब ना करो, तो एक एक गिलास दूध कर दे। हाँ 3 गिलास कर दो ऐसे बताओ। अरे भाई ये इसमें क्या मजा है, व्हाइट शर्ट में मजा है लड़की का, व्हाइट शर्ट जैसे उसमें दिखाया ना मूवीज में, बस व्हाइट शर्ट ओनली। अरे ब्रो मुझे टेक गीक बोला करो, कंप्यूटर का मिस्त्री थोड़ा और लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीज ऐसी चिपकेंगी उतरे नहीं, फिर ये तो लगवा के लाना पड़ेगा। अरे नहीं बेटी ये लग जाएगा, मान गया बबल आ जाए, मोबाइल वाला ऐसा लगा था अपने, वेट वाइप ही चाहिए, टेक की नॉलेज यहाँ लगा दी सारी, स्क्रीन गार्ड लगा दी सब। अरे लड़का यूं ही कमा जाएगा, बल लगा दे क्योंकि जितना हमारे चलेंगे ना इस पर कुछ ना कुछ उड़ के बैठ ही जाएगा यार। लेकिन ये स्क्रीन ऑन करनी पड़ेगी, इस ब्लैक बार तो दिख नहीं रहे, एक तरफ से लगाई है नहीं तो बबल नहीं निकलने के। थोड़ा उठ जा मेहनत कर ले यार मेरे यार, पर ऐसे कर लू देख लो है ये कहना, इतना अमीर होना है ब्रो की ऐसे मेहमान ना हो मैकबुक के ऊपर शुरू करे, मेहमान नहीं नॉर्मल मेहमान को फिर भी कर देंगे दारू जो बंडी हो। ओ सच में निशान आ गया भाई, हट ही रहे। चलो भाई हम एडिट कर लेता हूँ। हाँ मैंने शर्ट चेंज कर ली क्योंकि इससे पहले जो मैं शर्ट पहन रहा वो मेरी फैंटेसी वाली शर्ट, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो अगली वीडियो में मुझे पहननी तो अभी मैं गंदी नहीं कर सकता, उसमें इंटीग्रेटेड पार्ट शूट करके दिया था ब्रांड को। अब हम जा रहे हैं एक मिस्त्री को लेने बिजली के, क्योंकि यहाँ पे हमने सोसाइटी वाले बंदे से बोला एक स्विच लगाना था, एक स्विच सिर्फ 500 रुपए। मैं क्या भाई तुम्हारी होली आदत खराब, मैं तो नहीं देने वाला, मैं तो उठा के ले आऊंगा यहीं पास से ही किसी मिस्त्री को, बेचारा राजाओं की तरह होगा, राजाओं की तरह जाओगे 200 रुपए में काम करेगा। अगर आज इलेक्ट्रिशियन भी ना मिलता ना यहाँ तो आज मेरे इस मार्केट से भरोसा उठ जाता है, बस स्विगी पे डिपेंड हो जाता पूरा, वापस मेरा भरोसा हो गया इंसानियत पे कि हाँ मैं इस मार्केट में आगे कुछ भी कर सकूं। तो एक समस्या और आ गई, भैया तो आगे थे पर बाहर हमारे यहाँ लाइट का फिटिंग नहीं है, सोसाइटी वालों को भी लगे कभी अगर बाहर फिटिंग दे दिया ना कोई किसी के तार से कुछ कुछ जोड़ के चला लगा बिजली इनकी यूज कर, लिफ्ट के तार से ले लूंगे कनेक्शन, अभी हम कोई दूसरा जुगाड़ देखेंगे यार। कैमरा ना हो गया क्या, हो गया बीरबल की खिचड़ी होगी, हो ही नहीं रहा मेरा कमरा रिवील हो गया यार। आजा फेजर न्यूट्रल का ज्ञान दिलाऊंगा। तो किचन में आती सबसे पहले क्या देखा, ये काज बना के तो गया लेकिन इतनी सी भिंडी से क्या होगा भाई, ढाका भी तो आ रहा, कोई नहीं पानी पिला के रख लेंगे आज से, थोड़ा ब्रेड खा लेगा वो तो।
ब्रेड बहुत हो उसके। अरे घर से खा के ही चला होगा यार। ओ मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है लेकिन। ये देखो हमारे पास दो कैमरे हैं, एक लगाएंगे हम छुपा के कहीं किसी के कमरे में। मजाक कर रहा हूँ, बल्ब है ये कैमरा है। एक लाइक एक कमेंट कर दे मेरी कॉमेडी के लिए। आज हमारा ध्यान पड़ा ये बिल्कुल यहाँ को दिखा हुए इतने टाइम से। ये जो सर्वेंट रूम का टॉयलेट है इसकी लाइट जल रही है अंदर की। इंग्लिश है भाई, अंदर भी इंग्लिश सीट है। यस। कैसा है बाथरूम ये वाला? साफ तो है लेकिन छोटा होगा। अरे यहाँ तो स्विच ही नहीं है। लाइट निकाल ले। ये लाइट वो है, रोड है। बताया तो हमारे वाले बाथरूम में लगे ऐसे वाली छोटे वाली। मुझे लगे तेरे बाथरूम ऑन ऑफ है कहीं से। इतने में भैया चले गए, यो वाली ना लाइट लगवा लेते हैं अपने यहाँ। स्टूडियो के बैकग्राउंड में यूज करोगे? यही बोल दो यार। ये मुझे लग रहा है मुझे अंदर जाके डर लग रहा है कि बंद ना हो जाए, भूत वाली फीलिंग थी इसमें। और इसका चैट भी बढ़िया चलता होगा इसमें, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी जब आई लो इसकी या लाइट फ्यूज नहीं, इतनी नमी है इस दीवार में जब भी। अब मुझे दो आदमी पकड़ के निकाल दो, इतनी दूर हो चुकी है अंदर मेरे। बताओ यार क्या प्यारी लाइट है यार, इसे तो इससे एक्सचेंज करवा देते हो। यहाँ लग जाती है यो वाली, हमारी खराब हो रही है, थोड़े दिनों बाद लगवा लेंगे। इस बार जब कोई इलेक्ट्रीशियन आएगा, इलेक्ट्रीशियन रे बाबूजी इन द हाउस, तो मैं कमरे की एमसीबी गिरा दूं तो हम वो ट्यूबलाइट आज ही चेंज कर ले। यार आज ही हमने जुगाड़ बिठाया उस बाथरूम की लाइट का, आज ही नई लाइट मिल गई। सो मुझे लग रहा है ये है शायद ये रूम। गई ठीक, पेंचकस की जरूरत है क्या? ना सर ये लगनी है। हाँ वहां वाले में क्लिप भी पड़े थे, सारी सुविधा तो सर्वेंट को दे रखी इन्होंने। आ गई आ गई, ये खोलना पड़ेगा यहाँ से। वही पेंच कैसे लगी हो? इनाम क्या है लाइट बदलने का? ये तो किताब नहीं दे दिया तुझे बड़े मिस्त्री जी का? थोड़ी बड़ी बहुत बड़ी किताब है मिस्त्री का तो। नुकेंगे तेरे घर वाले नुको, अपने आप नहीं लगता कि तुम मंडा हो रखे हैं इन खम्भों में। महाराज ज्यादा पालतू हो रहा भाई, वो बड़े वो है वो तो तेज। ओ ये फुक भी रहा है बेटा, थोड़ा सा काट देना। कभी ऐसा होगी वायर ही फुक रहा हो, ट्यूबलाइट फिट हो हमारी, हो सकता है काट दूं। काट दे फिर, मुझे ये नहीं आता इसका तार सा छीलना। तार सा जब कम दबा के छिलेगा तो तार छिल जाएगा, ज्यादा दबाओगे तो कट जाएगा। हल्का सा कट मार के छील ले बिच। मिस्त्री तो बड़े ही रहे हम भी अपनी बचपन में, पता सब है कर देनी बस। मुझे तार छोटा होता नजर आ रहा, नई नई खेल खेल तार ही दिया भाई लड़का। फुल रेस्पेक्ट है जो बल्ब लगा के गया अभी। अगर वीडियो में जाके यूं होने लगे कि मैं तो यूं कर रहा हूं, यहां यूं कर रहा सामने शीशे में, और यहां में लगा दे बिजली की टेप। डन, अब एमसीबी ऊपर कर दे। हुई बहुत दिनों बाद उजाला देखा। फाइनली बहुत मशक्कत के बाद कैमरा लग गया। कम से कम कितने ट्राई मारे हमने? 20-25 भी ट्राई लग गया। अब दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि चोर आया। चोर कैसे आया भाई? चोर ऐसे तो नहीं आया, चोर आया यू अपना ही पर्स लेना है। तो गेट बंद था। तो भाई अभी मैं एक काम से डीएलएफ जाना, वैसे तो डीएलएफ बंद ही हुआ आ रहा है, लेकिन एक छोटा सा काम है जो कि मुझे डीएलएफ के गेट पे खत्म करना करेगा। मैं जाते जाते बता रहा था कि कैमरा लगवाने का रीजन ये था। यहाँ पे भी अभी जब मैं नहीं था यहाँ पे, निहाल था, तो वो मुझे बता रहा था कि बहुत लोग हमारे पीछे आए और गेट खटखटाते हैं। हमें कई बार लगता है फिर अमेजोन वाला हो या कौन हो, तो कई बार थोड़ा सा गेट खोल के इधर वाला दरवाजा खोल के देख लेते, लेकिन जब इंसान को फिर पता चल जाए कोई है तो वो पूछता है लक्ष्य कहाँ है क्या है, तो इसलिए कैमरा लगवा लिया कि हमें पता रहे पहले ही कौन है, उस हिसाब से गेट खोल ले। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है यार कि मैं मानता हूँ यार आप लोग हमें पहचान, तो आपके लिए हम परिवार जैसे आप रोज देखो हमारा डेली रूटीन, बट हमारे लिए तो सब अननोन ही है अनटिल अनलेस कुछ बात हो जाए, किसी से इंटरेक्शन ना हो जब तक। तो मैं यार अगर कोई गेट पे है भी और मैं हूँ भी घर पे और मैं मिल भी गया, तो क्या मैं गेट खोल के मैं थोड़ी कहूँ आ जाओ भाई चाय पी लो पानी पी लो? मतलब मैं अननोन आदमी को अपने घर पे थोड़ी बैठा हूँ। बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि यार आपके घर पे कोई अनजान आदमी खटखटा रहा, आपको उसके इंटेंशन नहीं पता क्या इंटेंशन है उसकी क्या। और रोज रोज तो यार ये सब पॉसिबल भी नहीं है ना, काम भी करना हो। अब जो आप वीडियो देख रहे वो पूरे दिन में जाके शूट होती है, क्योंकि मैं और भी क्रिएटर को देख चुका कि रिक्वेस्ट करने से तो कुछ होता नहीं। आप कितना ही किसी को कह लो कि भाई ऐसे मत करो ये करो करो, लोग करते ही हैं, तो इसीलिए। तो वही क्योंकि घर पे होगी थी सब्जी खत्म, तो उन्होंने देखा ही भिंडी दो आदमियों की, तो आगे नीचे फिर मार्केट में। अब यहाँ कुछ बनता हुआ लेके चलेंगे, और एक अपने साथ हेल्पर भी लाए लाए गए। देखिए मैं सही आ रहा है, बताओ क्या खाओगे ये तो बता दो। तो भाई फाइनली दाल पैक करवा ली है, क्योंकि भिंडी तो खत्म हो चुकी होगी अब तक, जब तक हम ऊपर जाएंगे। रोटी तो रखी ही है ऊपर, इससे बचेगी अब, और बचेगी खाई नहीं जानेगी। बाकी दाल और सुनसान रोड, सुनसान तो नहीं मतलब आधी रात हो चुकी। तो ओ
इतनी सारी आई गाड़ी। तो दिल है के मानता नहीं, दाल के साथ साथ आइसक्रीम भी ले जा रहे हैं, फुल ऑन खर्चा। एक कैमरा से दूसरे कैमरा को शूट करते हुए और खाने को अंदर ले जाते हुए। दाल तो गर्म है ही, रोटी गर्म कर लो। रेडी, चलो बस अब खा लो और क्या। अरे यार अब खाते हुए देखोगे क्या? अब तो पूरी सेफ्टी कर दी मैंने, अब हमारे अलावा कोई नहीं छेड़ पाने का। तुझे पता लग जाएगा अगर कोई बाहर से कस्टमर आए करेंगे ना, तुझे पता लग जाएगा। वो कस्टमर तुम्हारे कस्टमर तेरे? हम नहीं करते भाई ये गंडी बना। हम तो कहना मेहनत की खा लेंगे भाई, हम तो दो रोटी सूखी खा लेंगे पर खाएंगे मेहनत के, एक नंबर के काम के। हम नहीं भाई, हम नहीं करते एक नंबर के काम है। एक नंबर के तो उसमें एक्सपीरियंस में लिखवा लेना डिग्री में, उनको गंडे भी हूँ। कैसी बातें करते हो यार तुम, थोड़ी देर पार्क में बैठ का वेगा, क्या पता कोई फ्रेंड ही मिल जाए। चार्ज कुछ हवा सी भी नहीं चल रही, कुछ है नहीं मामला। मैं कभी कोई फ्रेंड ही मिल जाए बेड पे। वो सब कौन करे भाई, और वो भी गलत होगी भाई, लड़की बैठोगी सारी। मैं लग रहा हीरो तो आज देखिए लग रहा क्या? नहीं बाल वैसे ही करना नीचे थे जैसे तब लग रहा था। नीचे वाले बाल करूं? तू नीचे वाले बाल लोग बहुत बात करे। मैं तो कैसे ही कर ले, तू बाल मुझे गंजा करते है, लुक निकल गया है भैया का। तो एक तो सलून वाला और एक मुझे कपड़े बेचने वाला तो ही हो गया इनको। तुम तो टॉम क्रूज भी नंबर दो पे है जब आप कटे गई। हाँ ठीक है भाई ऐसा होगा, यूं गया तो ऑरेंज शर्ट देने तो वाला बेचने वाला तो सबको क्या है, ऑरेंज शर्ट बेचने वाला यूं कह रहा निखर गया है भैया। कहता ही उसे बेचनी थी। अरे कोई यूं यूं जबरदस्ती, मैं तो यहीं डल मका मान जाए यार, रात को सो तो जान दे। वो मुझे ऐसे ही नींद आती है ऐसा डाल के। मैं ठीक है यार चल सो नीचे मत लगा शादी से पहले नहीं। अरे फिर एकदम यूं करेंगे ड्रामा। अरे यार समझ में, बुद्धि खराब है। तुम तो लड़ते हो, एक किस दे दो ना बस। दुम्मा भी किस, अबरी सिर भाई चढ़ी। यार लुटा के ली थी वहां स्टूडियो में, नीचे गद्दा लगा के। कंबल तो एक ही है बट मैं तो जा रही रिचित भाई साहब के पास। बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया इस बात से। ऐसे ही हुआ अगर ऐसे ही हो जाए, इतनी खुले विचारों की पटाऊंगा कोई। भाई साहब ना बहुत बढ़िया सुहाई रात। भाई साहब ना मना करते, कच्ची तार तो चाहिए नहीं।